ओके तो चलो अपने करंट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज रिलेशंस। मैंने आई थिंक होमवर्क में एक एक रिलेशन बनाने को दिया था सबको, बना लिया हाँ सबने? ओके फिर हाँ सो वी विल स्टार्ट विथ कृतिका। मैं बना नहीं पाई थी, पूरा सैटरडे संडे टेस्ट ही हुआ था सारे सब्जेक्ट। एक सर रिलेशन, मे बी एक एक रिलेशन बनाने का टाइम नहीं मिला तुम लोगों को, बड़ी बिजी लाइफ है। कृतिका तुमने बनाया? यस व्हाट्स अप। रिलेशन एक बनाने को दिया था मैंने, बनाया तुमने? रिलेशन रिलेशन एक होमवर्क पर दिया था ना कि एक रिलेशन बना के लाना है, पता ही नहीं है। सदान तुमने किया है? नो नो सर। चलो ठीक है, माइक ऑफ कर लो। सदान तुमने क्या बोला? यस नो यस सर। बताओ सर, सेट ए कंटेन्स 1 to 6। एक ए सेट डिफाइन किया सदान ने जो कि 1 2 3 4 5 6 है। सर रिलेशन ए टू ए है। एक रिलेशन डिफाइन किया है ए टू ए। सर रिलेशन ए और कंटेन्स ऑल ए एंड बी such that r a plus b contains, r is the relation which contains all a b such that a plus b is equal to 7. a plus b is equal to 7. very good. chalo koi bata sakta hai is relation mein kaun kaun se element honge? 1, 6. very good bhai. usme wo sare a aur b hain jinka sum 7 ho aur a se a mein hai. theek hai chalo. aur 2, 5, 3, 5, 4, 5, 2 रिवर्स भी तो होंगे 5, 2, 4, 3 and 6, 1। समझ गए सब लोग? यस सर। ठीक है, गुड। अच्छा इसके पहले मैं रिलेशंस लोगों के एग्जांपल लूं, मैं एक चीज और बता देता हूँ। ये वर्ड तुम ऑलरेडी कर चुके हो, याद होगा डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ये क्या होता है एक रिलेशन में? मैंने फंक्शन के लिए पहले बताया था और वो अलग तरीके से बताया था क्योंकि ये बेसिक तरीका है रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का। ऑल्दो इस तरह से हम ज्यादा नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं एज अ फंक्शन। फिर भी अगर सेट के फॉर्म में रिलेशन दिया है, या फंक्शन भी एक तरह का रिलेशन होता है या फंक्शन दिया है, तो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होती है? तो जो हमारा रिलेशन डिफाइन होता है सेट के फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर होता है, तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन द ऑर्डर्ड पेयर इज नोन एज डोमेन। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। रेंज होता है हमारा जो आउटपुट आ रहा होता है, जो पहले एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट है हमारे ऑर्डर्ड पेयर में उसको रेंज बोलते हैं। तो सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट इन द रिलेशन एलिमेंट्स। और जो कोडोमेन होती है वो कंप्लीट सेट बी होता है, जो सेकेंड सेट होता है जिससे ए से बी में रिलेशन डिफाइन है ना, तो कंप्लीट सेट बी को कोडोमेन बोलते हैं। कोडोमेन ज्यादा पूछा नहीं जाता है, डोमेन और रेंज ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे इस एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल में डोमेन क्या क्या हो जाएगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 वाले कंप्लीट सेट ए ही हो गया। रेंज क्या हो जाएगी? 6, 5, 4, 2, 3, 1 वो भी हो गया, कंप्लीट सेट है। सेकंड एलिमेंट सारे उठा लो, वो रेंज हो गया। और कोडोमेन क्या हो जाएगी? 6, 2 वो भी तो हमेशा सेकंड सेट ही होता है, तो सेकंड सेट यहाँ पर ए ही है, तो कोडोमेन भी सेट ही हो गया। तो कुछ एग्जांपल बनाया, बाय चांस कैसा बन गया कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन तीनों सेम ही आ गए। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। अच्छा यहाँ देखो रिलेशन में जैसे मैंने कुछ और वर्ड भी यूज किए, जैसे दो ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट है तो हम बोलते हैं जो सेकंड एलिमेंट है दैट इज द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। वन की इमेज 6 है। इनको इनपुट और आउटपुट भी बोलते हैं कि वन इनपुट होगा अगर रिलेशन में तो आउटपुट 6 आएगा, टू इनपुट होगा तो आउटपुट 5 आएगा। फाइव आएगा ठीक है।
तो इनपुट आउटपुट हो गया, इमेज हो गया, और ऐसे ही फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड की प्री इमेज बोलते हैं. वन की इमेज सिक्स है और सिक्स की प्री इमेज वन. ठीक है, तो इन वर्ड्स को याद रखना, चाहो तो लिख भी लो कि एक ऑर्डर्ड पेयर में मान लो ए बी है तो बी इज इमेज ऑफ ए, ए इज प्री इमेज ऑफ बी. ठीक है सर. हाँ सर, जैसे सर मैंने सर इसमें a इज इक्वल टू 2b किया है, जहां पे a प्लस b इज इक्वल टू 7 है, a इज इक्वल टू 2b किया है. तुमने भी सेम सेट में डिफाइन किया है सर? हाँ, नंबर्स तो मैंने सेम ही लिया. ले रहे हैं काम, चलो ले रहे हैं सबके काम. नोट कर लिया सबने सर? एक मिनट. सर हो गया. आस्तिका कर रहे हैं सर? हो गया, हो गया. चलो हाँ, सच्चा बोलो अपना इस बार का. सर सेट ए, एक एक लोग बोलो. आस्तिका कुछ डाउट पूछ रहे होगे? मैंने नहीं बोला. अच्छा कृतिका, तुमने कोई डाउट पूछा क्या? फाइन, हाँ सच्चा बोलो अपना इस. मैंने नोट कर लिया था, वो बोल रही थी. नोट हो गया ना? क्या बोला, सुना क्या? सर वो कह रही है कि नोट कर लिया उसको. अच्छा अच्छा ठीक है, चलो साक्षा बोला. सर सेट ए है सर, जो 1 2 3 4 5 6 कंटेन करता है. ये सेम सेट कैसे तुम लोगों ने सोच लिया है? नहीं सर, ही मैंने एक्चुअली नंबर यही लिए थे. चलो एक सेट ए है जो इसमें 1 2 6 नंबर्स हैं, और सर वो सेट ए से ए तक ही है. ओके, एक रिलेशन डिफाइन किया है सेट ए से ए, क्या डेफिनेशन है उसके? सर ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू आर. इज आर इज अ रिलेशन व्हिच कंटेन्स ऑल ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू 2b. ए इज इक्वल टू 2b. चलो सब लोग बताओ अब आर में क्या क्या आना चाहिए. 2, 1, 2, 4, 2, 1. जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड का डबल है, a इज इक्वल टू 2b. ठीक है, और 4, 2, 6, 3. वेरी गुड. इसकी डोमेन 2, 4, 6. Set of first elements is domain, range 1, 2, 3. And codomain 1, 2, 3. Codomain क्या होता है? Complete second set को codomain बोलते हैं, जो कि set A हो गया. Second set जो है. Yes sir. ठीक है. कैसे? Yes sir. क्या कैसे? सर रेंज ए कैसे होगा? रेंज नहीं, कोडोमेन. अच्छा कोडोमेन, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. चलो नेक्स्ट सर कोडोमेन वाला पार्ट एक और बार बता दो कैसा है. कोडोमेन कंप्लीट सेट बी को कोडोमेन बोलते हैं. ए से बी में अगर रिलेशन डिफाइन है तो कंप्लीट सेट बी इज नोन एज कोडोमेन. चलो रिया, तुमने बनाया है रिलेशन? आवाज नहीं आ रही अगर तुम बोल रहे हो. विधि तुमने बनाया? विधि विधि हो क्लास में? वो कहाँ है? हाँ, नेटवर्क इशू. विनीत तुमने बनाया? हाँ सर. चलो बताओ. The set A contains elements. सर सॉरी सर, सर बहुत लेट हो गया. हाँ कोई बात नहीं, मैं से शुरू करूँ. हाँ विनीत बोलो, सेट A क्या है? 10, 15. आज थोड़ा तेज करो माइक, फास्ट करो. 10, 15, 20, 25, 30, 35. 10, 15, 25,
एक सेट डिफाइन है इस तरह से, ठीक है, एक सेट है बी, एक रिलेशन है सेट में, क्या है वो रिलेशन, डी वेयर सी बिलोंग्स टू ए एंड डी बिलोंग्स टू बी, फिर से बोलो फिर से क्या है, सर वो C कॉमा B है, मैंने A कॉमा B नहीं लिया है, कोई बात नहीं, मैं कॉमा सर A बिलोंग्स टू A, A बिलोंग्स टू A, हाँ सर, और B बिलोंग्स टू B, B बिलोंग्स टू B, C माइनस B इक्वल C माइनस B इक्वल टू नाइन, क्या C माइनस B इक्वल टू नाइन सर, मतलब A माइनस B इक्वल टू नाइन, यस सर, और यहाँ मैं b माइनस a इक्वल टू नाइन बोल दो, नहीं सर a माइनस b इक्वल टू नाइन, फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट नाइन है, यस सर, ठीक है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, बिलोंग टू a एंड b बिलोंग टू, वो तो ऑलरेडी यहाँ से मालूम चल गया, अगर a से b में रिलेशन डिफाइन है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से ही आएगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आएगा, ठीक है भाई, तो बताओ इस रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, 15, 6, बिल्कुल ठीक है, और कुछ होगा विनीत तुम्हारे सेट में, अच्छा तुमने ये निकाला था क्या होगा इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ये निकाला था तुमने, ठीक है, रेंज रिलेशन होता है उसमें ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, अरे फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट होते हैं उन सारे सेकंड एलिमेंट्स के सेट को बोलते हैं रेंज, और जो कंप्लीट सेट बी होता है उसको बोलते हैं कोडोमेन, ओके सर, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में देख लो, जैसे ये रिलेशन आया हमारा ये वाला, डोमेन हो गए 2, 4, 6 सारे फर्स्ट एलिमेंट, रेंज हो गया 2, 3 सारे सेकंड एलिमेंट, और कोडोमेन तो सेकंड सेट पूरा पूरा आ जाता है, ओके सर, ठीक है सर, अब आ रही आवाज, आ रही है, आप कौन बोलना सर, सर ए इज अ सेट इन विच ऑल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 8 टू 6, कहां से 8 से 6 तक, 8 से 6 क्या होता है, 8 7 6 बोल रहे हो, हां सर, सारे नंबर या सिर्फ इंटीजर वाले, सर इंटीजर, ओके 6 7 8 बोल दो ना भाई, और सर बी इज अ सेट आगे, लग रहा हो नहीं पाएगा रिया वाला, एनीवे आई थिंक रिया है नहीं ना क्लास में, शायद नेट अच्छा नहीं, सर मेरे को एक डाउट था, सर कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे रिलेशन दिया है कि जैसे रिलेशन हमें दे दिया है 10 पर कोई बनी नहीं रहा है 10 से, ऐसा हो सकता है कभी, तब ठीक है, चलो मैंने विधि से पूछा था, विधि का कोई रिस्पांस नहीं आया, नहीं किया है तो वो बताओ कुछ बोलो तो, सर तो अगर कोई रिलेशन नहीं होगा तो फाइल लिखेंगे ना, हाँ फाइल, विधि अगर माइक खराब है तो चैट में लिख दो भाई, चलो आस्था तुमने बनाया था रिलेशन, नो सर मैं नहीं बना पाई सॉरी, क्यों सर वो ध्यान नहीं रहा सर, बाहर आई हुई थी, एक क्वेश्चन भी नहीं सर, सर मैंने अभी बना लिया, मैं बोलूं अभी रुक जा, हां इस पर सर ए के अंदर सारे नंबर्स है 2 से लेकर 20 तक इवन, 2
2 से लेकर 20 तक के इवन नंबर्स हैं, सेट ए में। ओके सेट ए से ए है, एक रिलेशन डिफाइन है ए से ए में। आर की आर में सारे ए और ए बी है जिसमें ए माइनस फिर से बोलना आर में सारे ए और बी है और ए माइनस बी इक्वल्स माइनस सिक्स है। ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस सिक्स। ओके चलो बताओ आर में क्या क्या आएगा। सिक्स माइनस ट्वेल्व क्लियर बोलो। 14, 20 सर सिक्स और ट्वेल्व थोड़ा कॉर्नर से शुरू कर लो। टू से शुरू कर लें। टू और एट। टू और एट यस सर। ओके चलो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगी। रिया ने लिख के भेज दिया। रिया का सेट ए था 6, 7, 8। उसका सेट बी है 2, 3, 4, 5। पिछला वाला हमने नोट कर लिया था ना। आई थिंक खुद से भी कर सकते हैं। जल्दी से लिख लो। यस बोलो। कोई लिख रहा है क्या इसको? नो नो सर। एंड आई कांट सी मोस्ट ऑफ द क्लास। सर मेरा नेट 31st तक नहीं ठीक हो रहा। तुम्हारा तो नेट ठीक हो गया तो बस दो तीन दिन ही ऑन किया फिर उसका चक्कर में सही हो गए। मैं शेर हर चीज अपने पे ले लेते हो भाई। चलो रिया का जो रिलेशन है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अब जो रिलेशन है आर इट कंटेन्स ऑल ए बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी। चलो क्या रिलेशन हो जाएगा यहाँ पर? तो 5, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 7, 2, 7, 2, 7, 3, 7, 4, 7, 2 से सारा 7, 5 और 8, 2 से लेके सारा 8, 5। ठीक है डोमेन 6, 6 चलो नेक्स्ट लेट मी सी नेक्स्ट। सर मैंने बना लिया। सर मैंने भी एक बनाया है। मैंने भी बना लिया। बनाया मैंने। सर मैंने भी बना लिया। हां उससे तो बोल रहा था। स्वास्तिका हां सर ए इज अ सेट व्हिच कंटेन्स ऑल नंबर्स फ्रॉम 2, 4, 6, 8, 10। दे रहे हो ठीक है तो तुम सीधे बोल सकते हो ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। हाँ आगे सर बी इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9। सर आर कंटेन्स ऑल ए कॉमा ए एंड बी सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू 2n+1 वेयर एन इज एन इंटीजर। यार तो बहुत ज्यादा इसमें आ जाएंगे। चलो देख यही बनाया इधर को जेड से लिखते हैं। नाउ स्वास्तिका ने जो रिलेशन बना लेट मी सी कितने लोग बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा।
मैं बोलू नहीं और क्या बोलो क्या क्या हो सकता है इसमें सर 2 + 3 = 2 × 2 + 1 सर 2, 1 यो ऑर्डर पेयर बोलने होंगे ना सिर्फ एलिमेंट पेयर बोला करो बस ऑपरेशन मत 2, 1 सर 9, 2 9, 2 ओके और 2, 1 7, 8, 2, 1 ओके सर 2, 1, 2, 3, 4 ये बताओ कितने एलिमेंट 2, 3 काउंटिंग बता सकते हैं सर सारे पेयर्स सर बहुत पेयर बन जाएंगे सर मैं बता दो ये सर उसमें सारे बोल रहे हैं 25 नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन बिटवीन टू साइड यहाँ वो बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है यहाँ हो रही है कि एक रिलेशन ऑलरेडी डिफाइंड है उसमें कितने एलिमेंट होंगे किसी ने बीच में सही आंसर बोला है 25 कहते हो यहाँ पर हर एक एलिमेंट से रिलेटेड होगा क्यों हो रहा है ऐसा देखो इसने जो रिलेशन बनाया है वो रिलेशन क्या कह रहा है इसमें सारे ए भी हैं सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 2n + 1 2n + 1 का मतलब ये ऑड नंबर हो गया सारे ऑड नंबर कवर होगा 2n + 1 में सारे ऑड नंबर तो बेसिकली कह रहा है ऐसे ए भी ढूंढ लो जिनमें जिनका सम ऑड हो जाए अब इसने देखो सेट भी ऐसे लिए कि ऊपर सारे इवन नंबर है और नीचे सारे ऑड नंबर है ऊपर से कोई भी एक नंबर ले लो और नीचे से कोई भी एक नंबर ले लोगे तो क्या सम हमेशा ऑड ही आएगा यस सर ये हर एक एलिमेंट से रिलेटेड है यहाँ पर सबसे रिलेटेड 2, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 ऐसे ही 4 सबसे है 6 सबसे सारे ही सबसे रिलेटेड है ठीक है अब मैं 25 एलिमेंट नहीं लिख रहा हूँ बट समझ ये बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आ जाएगा इस वाले रिलेशन में ओके तो इसके डोमेन में क्या आ जाएगा 2, 4, 6, 8 और A complete set B सभी रिलेटेड है यस सर कोड डोमेन भी B होगा कोडोमेन तो बी होता ही वो तो सबका सही होना चाहिए क्या चल नेक्स्ट सुहानी तुमने बनाया यस सर इन सेट ए 1 to 8 है एंड अल्टरनेट नंबर्स नेगेटिव है मतलब -1, 2, -3, 4 सेट ए में क्या है 1 to 8 नंबर्स है और सारे ऑड नंबर्स नेगेटिव है अच्छा तो बेसिकली -1 से शुरू करें यस -1 और फिर 2 -3 4 -5 ऐसे 8 तक इंटरेस्टिंग कुछ तो नया सोचा है सवाले ने चलो एंड r इज अ रिलेशन a टू a r a टू a में चलो मैं वो लिख नहीं रहा हूं सीधा बताओ r की डेफिनेशन क्या है सर एक r इज इक्वल r इज सच दैट a कॉमा b कंटेन्स a minus b is equal to contains r contain कर रहा है a comma b such that a comma b such that a minus b is equal to 2 equal to 2 okay चलो बताओ इस r में क्या क्या आएगा सर पहले तो 4 minus 1 4 minus 2 उसके बाद 6 और 4 आ जाएगा फिर 8 और 6 आ जाएगा पहले पॉजिटिव वाले आ जाएंगे ऑर्डर का ध्यान रखना 4 comma 2 है 2 comma 4 फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट 2 है फर्स्ट एलिमेंट 4, 2, 6, 4, 8, 6 और सर -1, -3 भी हो सकता है -3 सर 2 - 2, -5 नहीं होगा सर -3, -5 -2, -5, -7, -6, -9 9 है नहीं ना इसमें सेट में नहीं है तो इसलिए 9 वाला नहीं आया
ठीक है ओके डोमेन 4, 6, 8, -1, -3, -5, -4, 6, 8, -1, -3, -5, -7. फिर वही होगी सर एक नंबर दोनों डोमेन और रेंज दोनों में आ सकता है सर तो फिर रेंज और डोमेन का सर अगर हम इंटरसेक्शन निकाले तो 6 आएगा -3 आएगा -5 आएगा सर सुनाई नहीं दे रहा सर सुनाई नहीं दे रहा आपकी आवाज मैं कह रहा हूं हां ठीक है सही बोल रहे हो लेकिन क्यों निकाल रहे हो सर सर एक नंबर दोनों में आ सकता है डोमेन और रेंज दोनों में कोई दिक्कत नहीं है बस डेफिनेशन फॉलो करनी है ठीक है आ गया सबको yes, चलो नेक्स्ट सर मैंने भी बना लिया मेरा भी हो गया सर किया नहीं हम लोग वो लास्ट में बताया मैंने खुशी तुम्हारा होगा ना मेरा नहीं हुआ खुशी हाँ सर तुम्हारा हो गया तो रिलेशन नहीं बताओ सर मेरा रिलेशन बहुत ही ज्यादा वो इजी है मैंने बहुत इजी बना दिया ए और बी सर दो सेट है ए में है 2 मतलब 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सारे इनफाइनाइट सेट है सर हां इनफाइनाइट है और उसके बाद बी में सारे के सारे 3 के मल्टीपल्स हैं सर रिलेशन जो है वो a comma a relation contains a comma b such that a upon b is equal to 2/3 oh, okay chalo batao kya aayega isme infinite aayega relation mein element ko bataoge 2 comma 3 kaise infinite kaise aayega sir 6 upon 6 2 upon 3 kaise aayega kaise sochne do normal ha बताओ भाई क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे 2, 3, 4, 6 ठीक है 4, 6, 6, 9 इनफाइनाइट सेट तो आ रहा है कुछ ये तो चलता जाएगा ना पैटर्न पर सब थोड़ी इंक्लूडेड आएंगे लेकिन इनफाइनाइट तो आएंगे हाँ एक तरीके से कह सकते हैं एक तरीके से नहीं आएंगे ही इसमें एक तरीका क्या है चलो लेकिन अच्छा बनाया चलो तुमने यू आर द फर्स्ट वन विद इनफाइनाइट 8, 12 थैंक यू सर थैंक यू इस तरह से पैटर्न चलता है कोई भी मतलब लाइन से उठाते हो यहाँ से और लाइन से यहाँ से ठीक है डोमेन 2, 4, 6, 8 range at b ha usko ye kuch pooch raha tha kya no sir theek hai good example chalo koi aisa set relation ho sakta hai jisme range aur codomain alag alag ho ha kitne example ke liye alag nahi thi kahi mein सर सेम में हो सकता है रेंज और कोडोमेन और उसे क्या सकता है जैसे यहाँ पर रेंज देखो सार कंप्लीट सेट नहीं आया है या फिर कोडोमेन हमारा कंप्लीट सेट है तो उसके एग्जांपल में ऐसा ही हो रहा है कि सेम नहीं है यस सर चलो ऋषभ ए इज अ सेट जिसमें है √2, √3, √4, √5 और √6 √2, √4, √5, √6 ठीक है सर बी ए सेट है इसमें √4, √9 और √16 तो भाई मेरे 2, 3, 4 ही बोल दो ना चलो हाँ सर रिलेशन ए टू बी है और सर ए बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए क्या है रिलेशन ए बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए ए बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए यस सर नहीं 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 दिस इज नॉट राइट
अरे तो कैंसिल हो जाएंगे ना, अगर तुम a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो मान तुम तुमने लिख दिया b = 1, ये लिख दिया तुमने, समझ रहे हो? और a = 0 लिख ए इक्वल टू जीरो कैंसिल किया तो जीरो वाला छूट जाता है हमसे, अगर कॉमन लोगों तो जीरो वाला भी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसा। सो ये तो डेफिनेशन बने नहीं रही है, थोड़ी कॉम्प्लिकेसी बनाने में तुमने कॉमन सेंस का ध्यान नहीं रखा। ऊपर से आएगा नहीं मेरे ख्याल से इसमें बी इक्वल टू, पॉसिबल ही नहीं है, कैसे पॉसिबल हो जाएगा बी इक्वल टू 1, तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, बट वो डोमेन में नहीं, मतलब वो सेट ए में, वही तो ये में होना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब तो समझ में आ गए, इतने एग्जांपल देख लिए हैं। माही तुमने बनाया? Yes sir. बताओ। Sir A infinite set है, 1 से continue हो रहा है, और pattern क्या? सब 1 से मतलब direct है, कुछ नहीं है pattern. 1, 2, 3, 4 and. ये natural number हुआ ना, सारे तो yes, ना? तो real number तो सारे decimal वाले भी आ जाएंगे, तुम बोले sorry, sir, मैं बोल रही थी। ठीक है? Yes sir. सर रिलेशन है a कॉमा b इन व्हिच b इज इक्वल टू, बताओ दूसरा सेट तुमने नहीं बताया सर। नहीं है सर, a की सेट है a, a में बोलो ना, ऐसा बोलो कि a से a में, और जो तुमने सेट लिया वो नेचुरल नंबर के लिए, तो उसको n से n बोल देते हैं। यस सर, तो उसमें अपने आप समझ जाएगा कि नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। ठीक है, हां बताओ सर। सर रिलेशन है b इज इक्वल टू a स्क्वायर, b इज इक्वल टू a स्क्वायर, बताओ भाई क्या आएगा रिलेशन में? सर 1,1 हो सकता है, हो सकता है सर, 2,4 होगा, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर, अच्छा ए और बी है, सॉरी 3,9, 4,16, 5,25, 25, 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 25
such that x is equal to n square. N square. Yes, sir. Natural numbers. Yeah. What domain? अपना एयरटेल का आई थिंक अच्छा चलता है यहाँ पर, हो सके तो नेक्स्ट मंथ से बेटर कनेक्शन ले लो. चलो श्रेष्ठा तुमने बनाया. यस सर. बोला सर ए इज अ सेट और सर उसमें 8 9 और 10 है और सर रिलेशन ए टू ए है और आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए समथिंग लाइक रिया हो गया है. चलो बताओ जैसे आर में क्या क्या आएगा. सब भी बड़ा है. 9, 10 तो तुम्हारा हो गया एग्जांपल. सर मेरा इशिता इशिता यस सर हमारा हो गया एग्जांपल. यस सर.
हर्षिता और आस्था तुम लोग लास्ट। मतलब मैंने बनाया नहीं था सर, वो टेस्ट की वजह से। अभी कौन रह रहा जिसने अभी तक नहीं बताया? मोहित तुमने बनाया था? नो सर। ओके, और कौन रह रहा है? कोई रह रहा है जिसे मैंने पूछा नहीं अभी तक? चलो चलो हर्षिता बताओ। सर एक्स एक सेट है, कैपिटल एक्स। ओके सर, और उसके एलिमेंट्स हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री टू एम, एम तक है। ये कॉपी कर लिया क्या तुमने? सर नहीं, मैंने ही बनाया पक्का। ओके सर, और कैपिटल वाई एक सेट है, उसमें है एलिमेंट्स वाई वन वाई टू वाई थ्री टू एन। नहीं आया सर, एन एन। सर तो उसका रिलेशन है विच कंटेन्स एक्स कॉमा वाई एंड एक्स एन माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। एक्स सर, एक्स एम माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। इज इक्वल टू सर एक्स। एक्स क्या इसमें क्या एलिमेंट आएंगे? एक्सक्यूज मी सर, नहीं पता, पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेटेड है। रुक जाओ। हाँ क्या एलिमेंट्स आएंगे इसमें? सर मैंने तो रैंडम ही बनाया था। सीरियसली? तो पहले तो मैं डाउट कर रहा हूँ चीटिंग के बारे में। मान लो चीटिंग नहीं की तो इसीलिए, अगर ऐसे ही बनाया तो चीटिंग नहीं की, क्योंकि कुछ बने नहीं रहा है। मतलब जब तक तुम्हें नंबर्स नहीं पता है तुम रिलेशन यहाँ बता नहीं पाओगी ना। डिफाइन ऐसे हो सकता है बट पता तो चलेगी है क्या एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। हाँ खुशी, तुम कुछ पूछ रहे थे? सर मैं यही पूछ रही थी कि एम और एन तो डिफरेंट टर्म्स हैं, तो इसमें कहीं ये मेंशन नहीं है ना कि एम इज इक्वल टू एन करके, वरना वो तो सेम टर्म्स हो जाएंगे, तो कुछ निकल ही सकता था। कोई बात नहीं, ट्राई किया। चलो आस्था तुम्हारा रह रहा है। सर ये क्वेश्चन कब हो जाता है हमसे? इक्वल टू 5 10 15 20 डॉट। रुक जाओ हां आराम से। सर ए 5 10 15 20 डॉट 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 कहां तक? इनफिनिट। हां उसके बाद बी 2 3 4 5 6 7 8 9, वो भी इनफिनिट तक। सर शुरू कर लेते हैं। चलो सर इसके बाद R is a set which contains all A and B such that A plus B equals to N and N is a multiple of 7. N is equal to 7M, ऐसे लिख देते हैं, और M belongs to natural number. चलेगा ये? Yes sir. Yes sir. ठीक है। ये क्या बना दिया यार? सर ये इजी है। इजी तो है। गलत कुछ नहीं है। तो इनफिनाइट पॉसिबिलिटी बनेगी और पैटर्न भी डिफरेंट टाइम काइंड ऑफ पैटर्न बनेंगे। मतलब रिलेशन में मेंशन कर देते हैं।
फिर m को भी तो डिफाइन करना पड़ेगा कि वो है 7m प्लस, काफी लंबा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। फिर यहाँ देखो 10 4 10 11 10 18 और ये भी चलता जाएगा, फिर ऐसे 15 के साथ 15 6 15 13 15 30 15 और 20 और ये पैटर्न चलता रहेगा। तो इस तरह से ये इनफाइनाइट पैटर्न बनते जाएंगे, तो उनको रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल है। इस तरह से आप ऐसे ही छोड़ देंगे फिर डॉट डॉट लगा के कि भाई ऐसे ही यहाँ पर डॉट 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 चलता ही रहेगा, ठीक है। इसके डोमेन क्या होगी? कहीं ना कहीं कोई नंबर तो सेट हो जाएगा, टू हो रहा है फाइव के साथ, थ्री हो जाएगा, ट्वेंटी फाइव के साथ हो जाएगा, फोर हो जाएगा, टेन के साथ हो रहा है, सारे नंबर कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे। तो रेंज तो बी लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, बी लिख, अरे आ रहा है तो बी लिख देंगे। यस ओके सर, सारे मैं कह रहा हूँ हर एक एलिमेंट सेट बी का किसी ना किसी ए वाले के साथ एडजस्ट हो जाएगा। चाहो तो कोई रैंडम नंबर लेके देख लो, जैसे मैं बी से मान लू पूछूंगा यार 20 किसी के साथ एडजस्ट हो रहा है क्या, तो 20 और 15 हो रहा है, बी का 13 किसी के साथ हो रहा है क्या, तो 13 और 15 हो जाएंगे, तो कोई ना कोई तो उसको मिल ही जाएगा उसकी प्री इमेज, तो ये सारे रेंज में कभी ना कभी आ ही जाएंगे। समझ रहे हो बात को? यस सर। और कोई है जो करके नहीं लाया तो और अभी सोच लिया हो बैठ के? कुछ लोगों ने अभी किया है ना, जो नहीं करके लाया तो वो यहाँ से देख नहीं सकते थे कि बाकी लोग अभी तुरंत बना दिया है, प्लस इतने एग्जाम्पल देख लिए, कुछ भी सोच सकते हो, तो एक मिनट का काम भी नहीं है, थोड़ा सा अवेयर रहा करो, एक्टिव रहा करो, ठीक है। चलो तो यहाँ से हमें रिलेशन का आइडिया लग गया। अभी देखो तुम लोगों ने जो रिलेशन बनाए हैं, बना तो दिए हैं, थोड़ी सी हम फोकस करते हैं कि देखो रिलेशन जब बनाते हैं तो यूजुअली देखो हम क्या कर रहे हैं, यूजुअली हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बना रहे हैं। अगर तुम ऑब्जर्व करो, सब लोग ऐसे तो बना रहे हो कि आर इज अ रिलेशन विच कंटेन्स ऑल ए बी सच दैट, कुछ भी बना दिया तुमने कि बी इज इक्वल टू 2a + 3 जैसा बना दिया, और ए बी मान लिया रियल नंबर है, ठीक है। जब कुछ नहीं कहा जा रहा है इसका मतलब है कि रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन हो रहा है रिलेशन, ठीक है। तो यही चीज आगे चल के डायरेक्टली लिख दी जाती है। जब मैंने फंक्शन पढ़ा था याद करो कि यार y इज इक्वल टू 2x + 3 दिस इज द फंक्शन, तो निकला वो यही इसी बेसिक से सेट से ही निकला है कि ये है डोमेन वाला सेट जो फर्स्ट एलिमेंट होते थे और ये है रेंज वाला सेट। लेकिन जब हम जनरल बात करेंगे फंक्शंस की, रिलेशन की, रिलेशन की आगे ज्यादा बात नहीं होगी, फंक्शन की बात होगी, एंड फंक्शन इज ऑल्सो अ रिलेशन, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मेट में बात करते हैं, ठीक है। सेट के फॉर्म में कम बात होती है, ज्यादातर बात डायरेक्ट होती है, ये डेफिनेशन ही हो रही होती है, बाकी चीजें अज्यूम कर ली जाती है। कुछ नहीं दिया इसका मतलब या तो हम खुद से ढूंढ लेंगे कि कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, या फिर मोस्ट ट्रिवियल केस रियल नंबर से रियल नंबर में, ठीक है। तो अभी हम यहाँ क्या यहाँ से नेक्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन की मैं डेफिनेशन बता देता हूँ बस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, अच्छे से इसको लिखना और एकदम से दिमाग में डाल लेना कि फंक्शन क्या होता है। लिखो, अ रिलेशन इज सेट टू बी अ फंक्शन, अ रिलेशन इज सेट टू बी अ फंक्शन, सर धीरे बोलना, अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी लिख लेना, अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज सेट टू बी अ फंक्शन इफ इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन लिखते हैं, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अ रिलेशन इज सेट टू बी अ फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज one and only one image in set B. लिख लिया,
जो हम रिलेशन बना रहे थे तो मैंने क्या कहा था कि यार कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, तुम्हारा जहां से जो मन करे कनेक्ट कर दो और वो एक रिलेशन बन गया। ठीक है, मान लो ये ऐसा था, तुम आग बंद करो, जिसको जिससे कनेक्ट करना हो दैट इज अ रिलेशन, दिस इज अ रिलेशन, जो करना हो कर दो, एक रिलेशन बन जाएगा। लेकिन फंक्शन में दो बातें अभी आगे जो हमने डेफिनेशन में लिखी है कि एक रिलेशन को फंक्शन कब कहा जाएगा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, अभी तक रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, ये क्या कह रहा है कि सेट ए के पहले सेट की हर एक एलिमेंट की इमेज होना जरूरी है। अभी तक ऐसा नहीं था, रिलेशन को जरूरी नहीं, ये एक रिलेशन है, बी और सी की कोई इमेज नहीं है, लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन कब होगा, जब सेट ए के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज जरूर होगी। ठीक है, और आगे क्या लिखा है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, उसकी एक ही इमेज होगी, एक से ज्यादा नहीं। पहले क्या होता था, जो मानो वो कर दो, ये भी एक रिलेशन हो गया, मतलब लिमिटेड हो गया, लिमिटेड सिंगल इमेज होनी चाहिए और सारे एलिमेंट उनका एक ही होएगा और किसी एक के साथ ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, किसी एक ही से होगा। ठीक है, कई एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है, एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती। जैसे ये अभी मैंने सामने बनाया है, दैट इज नॉट अ फंक्शन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही दो इमेज हो गई है, वन बी और थ्री बी, ये नहीं होना चाहिए, सबकी इमेज होनी चाहिए और एक ही इमेज होनी चाहिए। आपको आ गई बात समझ में? सर अब इमेज और प्री इमेज एक बार बता दो। इमेज सेट पहले सेट से दूसरे सेट में बोलते हैं इमेज, ए की इमेज वन है, वन की प्री इमेज ए है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो तुम लोग बताओ मुझे कि क्या ये एक फंक्शन है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, इज आ फंक्शन। ये नहीं लिखा हुआ है कि सबके डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, लिखा है सबकी एक इमेज होनी चाहिए, सेम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस गिवन एग्जांपल इज अ फंक्शन। ठीक है, मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ, बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। सेट ए है वन टू, अरे सेट ए भी तो सुन लो भाई, सेट बी है नेचुरल नंबर्स, बताओ क्या ये एक फंक्शन है? यस सर, है सर, है रिलेशन, क्योंकि चारों की इमेज है, वन टू थ्री फोर, और चारों की एक ही इमेज है, सिंगल इमेज है, क्या अलग अलग, मतलब दोनों की सेम इमेज है लेकिन नंबर ऑफ इमेज वन ही है हर एक एलिमेंट की, इसलिए दिस रिलेशन विल बी अ फंक्शन। आ गया आपको समझ में? यस सर। पूछो कुछ सर, आपने बोला जो बी सेट है वो नेचुरल नंबर है, मतलब इनफाइनाइट हो गया, तो उसमें तो हमने सिर्फ और सिर्फ लाइक 1, 3, 5, 5 दो बार लिए ना। डेफिनेशन पढ़ो, उसमें क्या लिखा है सेट बी के बारे में? तो नहीं सर, ए के बारे में ही लिखा, तो मतलब बी यूज हो सकता है दो बार, बी के साथ जो कोई इमेज, उसकी प्री इमेज हो ना उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सेट ए के हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है? यस सर, यस सर। अरे खुशी, मुझे आता तुम्हारे पेरेंट्स ठीक हो गए? हाँ सर, ठीक हो गए, अब सब नॉर्मल है। चलो, तो फंक्शन क्या होता है सबको समझ में आ गया है। फंक्शन इज अ बिग चैप्टर, फंक्शन में ही कैलकुलस और जो भी ऑपरेशन है वो सारे फंक्शन में ही होंगे, और फंक्शन की डेफिनेशन इस तरह से नहीं आएगी जैसा अभी हम लोग सेट के फॉर्म में कर रहे हैं। सेट वाला बहुत छोटा सा पोर्शन है, वो ऑलमोस्ट हमने कर ही लिया है, उससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं होगा। फंक्शन की हम डायरेक्ट बात करेंगे, अभी हम ये सेट के फॉर्म में लिख रहे हैं, और वैसे लिख दो वाई इज इक्वल टू टू एक्स, इस तरह से फंक्शन डायरेक्टली लिख के आए, कोई वो सेट में लिख के नहीं देगा। ठीक है, इसको सेट में लिखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस तरह से क्वेश्चन बनते नहीं है, क्वेश्चन हमें डायरेक्टली यहाँ से शुरू करना है, सेट वगैरह हमें ज़्यादा ध्यान उसमें नहीं देना होगा। अगर सेट वाले फॉर्म में डेफिनेशन दे रखी तब हमें देखना होगा इस तरह से डोमेन, कोडोमेन और रेंज वगैरह। समझ में आई बात सबको? यस सर। ठीक है, यस सर, यस सर। अब अगली क्लास से हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, आज होमवर्क में सब लोग एक फंक्शन बना के लाएंगे। यस सर। ओके, ओके सर। फंक्शन कोशिश करो थोड़ा अच्छा एग्जांपल लेने का, अच्छे का मतलब कॉम्प्लिकेटेड करना जरूरी नहीं है, थोड़ा वैरायटी कवर हो जाए तो दैट वुड बी गुड। ठीक है, आपने पहले भी कराया था फंक्शन, मैंने कराया था, अभी और डिटेल में जाएंगे। यस।
सर अगर सेट बी में सिर्फ आई है तो कोई फंक्शन ही नहीं बनेगा. तो अच्छा और डेफिनेशन और अच्छे से कर लो. रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी जो कि नॉन एम्प्टी सेट है. अगर एम्प्टी सेट हो जाएगा फिर थोड़ा रिलेशन और ये फिर कोई फंक्शन तो नहीं बनता है. सर अभी स्वास्तिक हमारा सेट बी में अगर 5 है तो वो बनेगा ही नहीं. सर कैसे नहीं बनेगा, बन तो सकता है, चांसेस तो है. 5 वाला उसने मतलब कुछ नहीं है सेट बी में. 5 नहीं. अच्छा सॉरी मैं क्या 5 बोला. सॉरी सर ईच एलिमेंट के आगे क्या था? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए. यस सर. As one and only one image in set B. ठीक है सर. ठीक है. चलो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे. And the next time. Thank you sir. Thank you. Thank you sir.